स्वागत हम करना चाहेंगे। मनीष कश्यप हमारे बीच आ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत मनीष जी हमारे बीच आपका। बतौर बीजेपी नेता आज आपको हम संबोधित करना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शुरू करें? हाँ तो शुरू कीजिए। सब कुछ ठीक है? धड़कन वही पर मिनट 72। बीपी नॉर्मल। चलिए ठीक है, शुरू करो। पहचान को लेकर एक बात होगी आपसे, ठीक है? क्या क्या है आपको? त्रिपुरारी कुमारी कुमार तिवारी बोले, मनीष कश्यप बोले, यूट्यूबर मनीष कश्यप बोले, बीजेपी नेता मनीष कश्यप बोले, क्या पहचान है आज की तारीख में अभी इस वक्त? आप बीजेपी नेता बोल सकते हैं, आप यूट्यूबर बात नहीं, आज जो बोलिए एकदम साफ साफ। आज तो अगर बीजेपी नेता मनीष कश्यप बोले तो मुझे मतलब कि अच्छा लगेगा, लेकिन मैं यूट्यूबर नहीं, यूट्यूब जो है आप मतलब कि आप दो दो पत्रकार और इधर पीछे इतने सारे लोग, इतना मतलब प्रेशर दीजिएगा। यूट्यूबर मैं था हूँ और रहूंगा, लेकिन यूट्यूबर का टैग जो है मेरे ऊपर से हट नहीं सकता है। लेकिन साथ में जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया और एक अच्छे मनसा से ज्वाइन किया, माँ के कहने पे ज्वाइन किया, तो आप नेता मनीष कश्यप भी कह सकते हैं। इसके लिए भी यूट्यूबर वाला जॉन बेबाकी रहला, जॉन लोगों के बीच पहुंचकर लोग के बीच के समस्या के उठाए वाला अंदाज रहला, ऊ का बतौर राजनेता भी जारी रही? ऊ चीज हमेशा जारी रही, ऐसे उस चीज हमेशा जारी रही, कहे कि उहे हमर पहचान रहे, लेकिन तरीका बदल जाई। अब मान ली कि जब रउर कॉलेज लाइफ होई तो ओबरा रउर तरीका अलग होई, फिर शादी भइल तो ओबरा तरीका अलग हो गइल, फिर चैनल ज्वाइन कर लो के ओबरा तरीका अलग हो गई होई। लेकिन रउआ पहले भी ईमानदार रहनी और आज भी ईमानदार बनी, पहले भी ईमानदारी से काम करतनी, आज भी ईमानदारी से काम करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका बदल गया, तो वही मेरा भी बदल गया है। लेकिन मैं काम अब पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से दमदार तरीके से करूंगा। लागल की राजनीति से जुड़ के ये बदलाव संभव है? इतना गंदा राजनीति का दिमाग में जो ये राजनीतिक शब्द आता है या नेता शब्द आता है तो हमें गर्व क्यों नहीं महसूस होता है? आईएएस शब्द आता है तो गर्व महसूस होता है, रिपोर्टर शब्द आता है तो गर्व महसूस होता है, और भी कोई सरकारी नौकरी का शब्द आता है तो गर्व महसूस होता है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर। जब नेता शब्द आता है तो गर्व महसूस क्यों नहीं होता है? नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हमारे देश में, हमें गर्व महसूस करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे नेता, तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए। ये चीज़ें हैं बस। तो अच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और ये गर्व की बात है मेरे लिए। बिल्कुल गर्व की बात, जिस छवि को आप बदलने की बात कर रहे हैं कि तस्वीर की तरफ जरा मुड़िए, मनीष कश्यप आपकी की तस्वीर चल रही है, देखिए दिखाइए दिखाइए जरा स्क्रीन दिखाइए। मनीष कश्यप साथ में आप माँ को लेकर चल रहे हैं और आपने कहा कि माँ नरेंद्र मोदी को एज ए नेता बहुत पसंद करती हैं और चाहती हैं कि ऐसे नेता हों जिनका एक माध्यम जो है काफी, वो कहते हैं ना कि वन लाइनर बस, उसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये तस्वीर आज जब हम तक पहुंची तो कई सवाल, इससे पहले जब आपका इंटरव्यू हो रहा था, आपने जब दिया था तभी कई सवाल था, तब आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, देख कुछ बातें ऐसे आपने की कि आपने कुछ कोई इशारा जरूर कर दिया, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले भी आवाज़ उठाता था और पहले भी दमदार तरीके से बात करता था। अब जो है जब पार्टी कह रही है कि आप जाइए काम कीजिए और समस्या हो तो आप बताइए, हम समाधान करेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? और मेरे जैसे युवा को क्या कभी कांग्रेस मौका दे सकती थी? नहीं, क्योंकि उसे राहुल गांधी से ज़्यादा टैलेंटेड लोग चाहिए ही नहीं।